अभी इस वक्त रामपुर में मौजूद हैं और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर के घमासान है, चर्चाएं बनी हुई हैं कि किसकी केंद्र सरकार बनेगी और कौन जनपद सीतापुर का सांसद बनेगा, तो इसी बीच में हमारे साथ हैं नसीम नेता, जो कि काफ़ी चर्चा में रहते हैं। लोग इन्हें इतना पहचानते हैं कि कोई मंत्री आए, कोई नेता आए, कोई विधायक आए, कोई सांसद आए तो परिचय के मोहताज नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे नेताजी? चुनाव बहुत ही नज़दीक आ रहा है और कम समय बचा है। यहाँ पर रामपुर मथुरा के जनपद सीतापुर में हमारे राजेश वर्मा जी चुनाव जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, केंद्र मोदी जी बनेंगे। उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी हैं और हमारे लोकप्रिय विधायक ज्ञान दादा रामपुर मथुरा में हैं। विधायक जी ने बहुत काम किए हैं रामपुर मथुरा में और बंधा बंधवा दिए, कितने सड़क पुलिया बन गए, बसें चल रही हैं, यहाँ पर अस्पताल बहुत अच्छा चल रहा है, गल्ला मिल रहा, आवास मिल रहा, शौचालय मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको राहत मिली है, गुंडे लपंके से भाग गए हैं, सरकार बढ़िया है भारतीय जनता पार्टी। आप कह रहे हैं बीजेपी इतना कुछ कार्य कर रही है और जैसे कि एक सवाल रहता हमेशा कि मुस्लिम को पसंद नहीं करती बीजेपी। नहीं ऐसा नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, ईमानदारी से भाजपा को देना है वोट और सरकार भारतीय जनता पार्टी बनेगी केंद्र में। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सांसद राजेश वर्मा जनपद सीतापुर में सांसद बनेंगे और अभी तो दिग्गज नेता और भी हैं, राकेश राठौर जो कि गठबंधन से आ चुके हैं और महेंद्र यादव जो कि बसपा से हैं, जो तीन तिगाड़ा की लड़ाई हो गई है वो बहुत ही कठिन लड़ाई है, क्या लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, राजेश वर्मा जी हमारे जिला सीतापुर के सांसद बनेंगे, ये विरोधी दल कोई काम के नहीं है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी तो झूठ बोलती कुछ कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे देश की अच्छी पार्टी है, पूरे देश में काम कर रहे हैं, हम लोग गल्ला मिल रहा, आवास मिल रहा, शौचालय मिल रहा है, अब मुस्लिम पूरा खुश है। ऐसा आवास और जितनी सारी योजनाएं हैं सरकार की वो जनता तक पहुंच? हाँ पहुंचती, जनता खुश है। बीजेपी से कह रहे कि अभी वादा किया था बीजेपी ने कि 15 लाख खाते में आएंगे, 00 खाता खुलवा दिया, बेवकूफ बना दिया। ऐसा कुछ नहीं है, सबको मिलेगा, मिलता भी है जी। बीजेपी का इतना बीजेपी को पसंद क्यों कर? हम भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक यहाँ ज्ञान दादा हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान जाता है, सब पर काम करते हैं, इसलिए हम लोग विधायक जी से जुड़े हैं और विधायक जी बहुत ईमानदार व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति हैं। बात जनपद सीतापुर में, अच्छा राकेश राठौर के बारे में जो गठबंधन में है, कांग्रेस में सीट जाने वाली है, उनके बारे में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये हवा है खाली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और सांसद हमारे राजेश वर्मा जीतेंगे। सांसद राजेश वर्मा ने क्या किया है इस रामपुर मथुरा क्षेत्र? बहुत विकास किए, अभी हमारे रामपुर अस्पताल डाकखाने ब्लॉक के सामने डाकखाना बना, देखिए माने सांसद जी विधायक जी बनवाए डाकखाना, यहाँ पर देखिए सामने बना है। जिस तरीके से जो ये गांव-गांव पानी पहुँचाने का कार्य हो रहा है, क्या सही हो रहा? हाँ सही हो रहा, ठीक हो रहा, हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे विधायक जी बहुत मेहनत करते हैं क्षेत्र में, अच्छा कार्य हो रहा है रामपुर मथुरा में और सीतापुर में। अच्छा आपके गाँव क्षेत्र में क्या लोग सोचते हैं, क्या चर्चाएं रहती है चुनाव? चुनाव बढ़िया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सांसद जी जीतेंगे, राजेश वर्मा जी, कोई लड़ाई सिर्फ बीजेपी को? हाँ बीजेपी को। जो पार्टियां हैं सब बेकार हो? नहीं ऐसा हम नहीं कहते हैं, लोकतंत्र प्रजा यादव भी बसपा से आ चुके हैं और वो उन्होंने नेता हैं, कल बदलू नेता हैं, पहले वो बीजेपी में रहे। बीजेपी ने ऐसा क्या मतलब देखा कि महेंद्र यादव को उस पर निकाल दिया? अब इसके विषय हमको नहीं पता है, मगर जानते हैं दल बदलू नेता है महेंद्र यादव, कोई पार्टी हाँ वो सब जगह जाते हैं। अच्छा जैसा कि लोग कहते हैं कि राजेश वर्मा सांसद जो रहे कुछ भी नहीं कार्य कराए हैं जनपद सीतापुर में, सिर्फ उन्होंने वादे किए थे और वादे सब छूट। नहीं सांसद जी बहुत काम किए हैं, अच्छे सांसद हैं सीतापुर के, लोकप्रिय ईमानदार सांसद हैं राजेश वर्मा जी। अच्छा आपके अगर हम बात करें तो मुस्लिम समाज के लोग अब की बार कितने परसेंट जो है बीजेपी? नहीं मुसलमान भाई तो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, शामिल हो रहे हैं, वोट भी देंगे और आगे बढ़ेंगे सब जी। अब बिल्कुल जितना नज़दीक चुनाव पहुँच रहा है, जैसे कि अभी कम समय बचा हुआ है, बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे वोट मांगने के लिए, बहुत बड़े बड़े वादे करेंगे, लालच भी देंगे, तो उनके बारे में क्या सोचेंगे उस वक्त? ये नेता लोग आते चले जाते हैं, चुनाव वक्त पर आएंगे फिर लौट नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे विधायक जी, मिलेंगे सांसद जी। बीजेपी का कुछ तीन काम अच्छे गिरा दीजिए। यहाँ बहुत हमारे बंधा देखिए कितना अच्छा बड़ा है, बंधा जो बना है माननीय विधायक जी की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से बंधा बन गया, न रामपुर पूरा बह जाता, ये विधायक जी की देन है ज्ञान दादा की। चौथा के विधायक रहे जो ज्ञान तिवारी, उन्होंने क्या प्रयास किया जो रामपुर मथुरा क्षेत्र में विकास कार्यों में? बहुत विकास किए विधायक जी, विधायक जी जितना विकास किए कोई विधायक नहीं कर पाया, 50 साल विधायक नहीं कोई कर पाया, जितना विधायक जी काम किए हमारे क्षेत्र में, बहुत अच्छे विधायक जी हैं। अब की बार जनता के मन में काफी सवाल चल रहे हैं कि अगर केंद्र की सरकार बन गई अब की बार मोदी जी की, तो क्या कुछ होगा? विकास होगा और क्या होगा?
क्योंकि अभी जो प्रेजेंट टाइम में सरकार रही उनकी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, यूपी की भी सरकार है और केंद्र की भी सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार जहाँ पे रहेगी वहाँ पर विकास जीरो है। अरे गड्ढा मुक्त भारत हो गया, आपको ये लगता है गड्ढा मुक्त भारत? बिल्कुल गड्ढा मुक्त हुआ है और फिर होगा, विकास होगा, सारे काम। कह रहे भ्रष्टाचार होता है? नहीं, कता नहीं, विरोधी दल फर्जी आरोप लगाते हैं। फर्जी आरोप जी, देखा यहाँ पर एक मुस्लिम समाज के लोग ने किस तरीके से बीजेपी को इस तरीके से सपोर्ट करते हैं, और मुस्लिम समाज के लोग अब कितने परसेंट जो है बीजेपी में जाने वाले हैं। तो लगातार रिपोर्ट के लिए बने रहे हमारे साथ, देख रहे हैं इंडिया की सोच। जय हिंदू।